हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप बताएंगे कि जब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, एनपीसीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आप एनपीसीआई वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो को स्टार्ट से इन तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम में। इसके बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्कॉलरशिप, इसको सर्च करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लिंक दे रखी हुई है स्कॉलरशिप, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद ये जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दें, प्रेजेंट टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप डेट है 29 अक्टूबर। अभी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ कि जो यूपी स्कॉलरशिप के फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनका केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कि ऑनलाइन, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन का जो ऑप्शन दे रखा हुआ है इसमें हमें क्लिक करना है एक बार। इसके बाद प्री मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट या पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट स्टूडेंट लॉगिन, जिसका भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्री मैट्रिक में क्या होता है 9th और 10th, इंटरमीडिएट में क्या होता है 11th और 12th, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में क्या होता है कि आपका जो बंदा होगा बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी हो, ये अदर स्टेट वालों के लिए होता है पोस्ट मैट्रिक में। तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट का करके दिखाने वाला हूँ। तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया होगा। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दे रखा है कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए होंगे, रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, ये कंप्लीट हो गए होंगे। ये जो एनपीसीआई सत्यापन हेतु है ये आपका इनकम्प्लीट होगा, यहीं पे प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। तो चलिए एनपीसीआई सत्यापन हेतु में क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रॉब्लम आ रही होगी, चेक एनपीसीआई स्टेटस में जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कुछ नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा होगा NPCI not received from NPCI server। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसका नाम है NPCI मैपिंग फॉर्म। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखना है आपको अपने बैंक के ब्रांच का नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक का नाम लिखना है। इसके बाद इस फॉर्म को जिस डेट को आप फिल कर रहे हो उस दिन की आपको डेट लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होगा। इसके बाद जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आई एम मेंटेनिंग आ बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद देखो दूसरा नंबर पे है आई सबमिट माई आधार नंबर एंड वॉलंटरली गिवन माई कॉन्सेंट, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट देना होगा, सहमति देना होगा कि भाई मेरे जो आधार नंबर या आधार कार्ड का यूज है आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक करना है यूज माई आधार डिटेल्स टू ऑथेंटिकेट मी फ्रॉम UIDAI। तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे आधार डिटेल्स या आधार नंबर का यूज UIDAI से ऑथेंटिकेट करने के लिए कर सकते हैं। UIDAI क्या है, UIDAI का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक करना है। इसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है यूज माई मोबाइल नंबर मेंशन्ड बिलो फॉर सेंडिंग एसएमएस अलर्ट्स टू मी, तो इसका मतलब यह है कि इसमें दे रखा हुआ है कि आप मेरे मोबाइल नंबर का यूज जो मैं नीचे मेंशन करूंगा उसका यूज आप एसएमएस अलर्ट के लिए कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, नीचे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है मोबाइल नंबर का, उसके कॉन्सेंट के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसके बाद तीसरा नंबर दे रखा हुआ है लिंक द आधार नंबर टू ऑल माय एग्जिस्टिंग न्यू फ्यूचर अकाउंट्स एंड कस्टमर प्रोफाइल विद योर बैंक, इसका मतलब यह है कि जो मेरा अकाउंट है या मेरे बैंक अकाउंट है उसमें आप मेरा आधार नंबर लिंक कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिट है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको तीनों ऑप्शन में कॉन्सेंट दे देना है, सहमति दे देना है, टिक का निशान लगा देना है। देखो यहाँ पे एक दे रखा हुआ है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना होगा उससे।
इतना करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स टिक वन। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हुए हैं। चार ऑप्शन में से पहले ऑप्शन में आपको टिक करना है। पहले ऑप्शन का मतलब सबसे पहले समझ लो, आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना होगा विद एनपीसीआई पेपर टू एनेबल टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंक्लूडिंग एलपीजी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई इन My above account, I understand that if more than one benefit transfer is due to me, I will receive all the benefits transfer is same account for customer who have not so far seeded account with NPCI member। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं government scheme एक या एक से ज़्यादा का benefit ले रहा हूँ तो मेरे इस अकाउंट को NPCI के साथ मैप कर दिया जाए, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होगी उनका पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। अब देखो NPCI सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि NPCI आखिरकार होता क्या है। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI एक गवर्नमेंट संस्था होती है जो कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, चाहे नरेगा का पैसा हो, पीएम किसान का हो, स्कॉलरशिप का हो, वो जितना पैसा होती है वो NPCI संस्था अपने पास रखती है। इसके बाद जो जो भी बैंक अकाउंट उससे अटैच होते हैं उन्हीं के अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाता है पैसे को, ठीक है। इस वजह से हमको NPCI से अपने अकाउंट को मैप करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है और इस वाले ऑप्शन, फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है योर फेथफुली सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ कस्टमर। यहाँ पे उस कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर करना है, इसके बाद उसको अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, इसके बाद आधार कार्ड की इसके साथ कॉपी आपको इंक्लूड करनी होगी, अटैच करनी होगी। एक चीज का ध्यान रखना, जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड या लिंक होना कंपलसरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको एक बार अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे इफ कॉन्सेंट सेंटर थ्रू बीसी वीडियो वीओ, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं टच करना है। तो जैसे ही इस फॉर्म को आप कंप्लीट फिल करेंगे, इसके बाद आपको अपने बैंक में दे देना है। दो से तीन दिन के बाद आपका जो अकाउंट होगा NPCI से मैप होगा। इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। NPCI वाली जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इस जो फॉर्म का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करेंगे आप इस फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप गूगल में जाना, वहां पे सर्च करना आधार सीडिंग प्रोसेस PDF, इस फॉर्म को आप आसानी से वहां से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।